दोस्तों मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगर ज़मीन आपका है, आपने रजिस्ट्री किसी से कराया था, ज़मीन का सारा पेपर आपके पास है लेकिन ज़मीन का जवाबबंदी किसी और के नाम से दिख रहा है, तो फिर आप यहाँ पर क्या करेंगे। दोस्तों कई सारे ऐसे केसेज होते हैं इसमें कि ज़मीन का मालिक कोई और होता है लेकिन जवाबबंदी उस ज़मीन का किसी और के नाम से दिखता है, तो फिर यहाँ पर जो पार्टी होता है वह घबरा जाता है। देखिए, जिसके नाम से भी जवाबबंदी आपके ज़मीन का दिख रहा है उस व्यक्ति का कभी न कभी उस ज़मीन का दाखिल खारिज हुआ होगा, तभी जवाबबंदी उसके नाम से दिख रहा है। तो फिर उस व्यक्ति का नाम हटकर आपका जवाबबंदी दिखे, इसके लिए यह ज़रूरी है कि पहले आपको उस ज़मीन का दाखिल खारिज कराना होगा, तभी जाकर आपके नाम से ज़मीन का जवाबबंदी दिखेगा और उस व्यक्ति का नाम नहीं दिखेगा। तो आप इसके लिए सबसे पहले अपने एरिया के सीओ या फिर जो ज़मीन का कर्मचारी है उनसे मिलें और फिर आप अपनी सारी बातों को बताएं। आपके पास जो भी रजिस्ट्री का पेपर है, जो भी पावर का पेपर है, आप ले जाकर उनके समक्ष रखें, उन्हें सारी बातों को बताएं। तो अगर वहाँ से आपका दाखिल खारिज हो जाता है तो फिर उसके बावजूद भी अगर जवाबबंदी किसी और के नाम से दिखता है तो फिर आप फिर कर्मचारी को बोलेंगे कि दाखिल खारिज हो गया, इसके बावजूद भी जवाबबंदी क्यों और किसी के नाम दिख रहा है। तो अगर वह अपने रिकॉर्ड में चेक करके आपको बताते हैं कि जवाबबंदी आप ही के नाम से है, तो हो सकता है यहाँ पर सिस्टम का प्रॉब्लम हो, क्योंकि कई बार अपलोड नेट पर नहीं किया जाता है, इसी की वजह से आपका जवाबबंदी नहीं दिख पाता है, तो यह भी कारण हो सकता है। लेकिन दोस्तों सीओ और कर्मचारी इतनी सीधी तरीके से आपको बात को नहीं सुनेंगे, वह एक ही पेपर के लिए आपको 100 बार दौड़ाएंगे, या फिर वह अगर आपको संतोषजनक जवाब नहीं देते हैं, आपका दाखिल खारिज भी नहीं हो पाता है, तो फिर आपको यहाँ पर चुप नहीं बैठना चाहिए बल्कि आपको आगे बढ़ना चाहिए। फिर आप अपने ज़िले के लोक अदालत में जाएँ और आप वहाँ पर आवेदन दें और आपके पास जो भी पेपर है आप वहाँ पर पेश करें। आपको यहाँ पर पार्टी जो है कर्मचारी या फिर सीओ को बनाना है। फिर आपके आवेदन देने के बाद जो ज़िले में लोक अदालत होगा वह उन लोगों को नोटिस देकर कोर्ट में बुलाएगा। फिर अगर लोक अदालत में लगता है कि आप सही हैं, आपका पेपर ओके है, आप जेन्युइन हैं, तो फिर कोर्ट जो है यहाँ पर ऑर्डर एक जारी करता है और फिर उस ऑर्डर के आधार पर आपका आसानी से दाखिल खारिज भी हो जाएगा और फिर जवाबबंदी भी हो जाएगा। फिर रिकॉर्ड में आपका नाम चढ़ जाएगा और फिर आपका जवाबबंदी होने के बाद जब आप नेट पर चेक करेंगे, वेबसाइट पर चेक करेंगे, तो फिर आपका ही जवाबबंदी दिखेगा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपके मन में और कोई सवाल है तो फिर आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आप हमसे सीधे बात करना चाहते हैं तो फिर आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें। मेरा इंस्टाग्राम पर यूजर नेम है प्रीतेश1584। तो दोस्तों आप इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में भी ज़रूर शेयर करें। तो दोस्तों हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।